हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। कन्नौज जनपद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कलेक्ट्रेट में मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकार सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दे। तो आज जो है 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो मजदूर महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की थी, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाया था, उस पर हम जो है अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवा रहे हैं। जो मांगे मेरी इस प्रकार हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम 21,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिलाध्यक्ष ममता मिश्रा की अगुवाई में नीलम तिवारी, अन्नपूर्णा, मुन्नी राठौर, विमला शुक्ला, अंजू मालती, कालिंद्री, सुनीता समेत दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। कार्यकर्त्रियों ने मांगों को लेकर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट पर कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन दो, खाली पदों पर नई भर्ती प्रमोशन 3 माह में पूरे करो, सभी लाभार्थियों को पूरा राशन दो, ऑनलाइन फीडिंग का कार्य विभाग द्वारा कराया न जाए, पंचायत सहित सभी चुनावों में चुनाव लड़ने का बिना शर्त अधिकार हो, महिलाओं के बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ, सुरक्षा व सम्मान की गारंटी करो, अश्लील वेबसाइटों व चित्रों पर रोक लगाओ तथा पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन डीएम राकेश कुमार मिश्रा को सौंपा। मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही कम से कम 21,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। मांग की है कि रिटायरमेंट होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, खाली पदों पर नई भर्ती की जाए, साथ ही 3 माह के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन किया जाए, सभी लाभार्थियों को पूरा राशन दिया जाए तथा पूरे प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की जाए। मांगे पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। तपंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।